तो दोस्तों Realme का ब्रांड न्यू अपकमिंग स्मार्टफोन Realme X3 5G स्मार्टफोन को टीना पे लिस्ट कर दिया गया है, जिससे इस स्मार्टफोन का डिजाइन और स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme X3 5G स्मार्टफोन के फुल एंड कंफर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में और इंडिया में कब तक और कितने प्राइस में लॉन्च किया जा सकता है। तो आप भी ज्यादा जानना चाहते हैं इसी Realme X3 5G स्मार्टफोन के बारे में, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू टीना लिस्टिंग, सबसे पहले हम बात करेंगे Realme X3 5G स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। बड़ी सी डिस्प्ले दी गई दोस्तों, 6.57 इंच का फुल HD प्लस रेजुलेशन वाला IPS डिस्प्ले दिया गया है, जो कि डुअल पंच होल के साथ आएगा। और इसी पंच होल में 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है, f/2.0 के साथ आता है, और साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। उसके साथ ही आपको 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है और साथ में आपको फेस अनलॉक का फीचर भी दिया गया है। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं Realme X3 5G स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में Qualcomm का Snapdragon 76 5G प्रोसेसर दिया गया है, जो कि 5G इंटीग्रेटेड मॉडेम के साथ आता है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 रैम वेरिएंट, 6GB, 8GB और 12GB। और यहाँ पे जो रैम यूज किया गया है दोस्तों, LPDDR4 रैम यूज किया गया है। स्टोरेज टाइप में UFS 2.1 यूज किया गया है। उसके साथ ही आपके यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 दिया गया है, जो कि कस्टमाइज किया गया है Realme UI के साथ। कनेक्टिविटी बात करें दोस्तों, तो चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी पोर्ट दिया गया है। चांसेस है दोस्तों इसमें 3.5 मॉड्यूल जैक भी आपको मिल जाए और शायद से आपको यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया जाए। उसके साथ ही आपको 4100mAh का बैटरी दिया गया है, जो 30W वोक 4.0 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है, और बॉक्स में आपको 30W का चार्जर भी मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं Realme X3 5G स्मार्टफोन के डिजाइन और कैमरा के बारे में। डिजाइन के बारे में बात करें दोस्तों, तो रियर साइड में आपको कुछ इस तरीके का डिजाइन दिया गया है। सिमिलर डिजाइन होगा Realme X50 जैसा, वही आपको रियर साइड में ग्लास बैक दिया गया है, जो कि ग्लॉसी ग्रीन फिनिशिंग के साथ आता है। उसके साथ ही आपको साइड माउंटेड फिंगर प्रिंट दिया गया है और साथ में आपको रियर साइड में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। कैमरे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो रियर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का है, f/1.8 अपर्चर के साथ आता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है। और अब फाइनली बात कर लेते हैं Realme X3 5G स्मार्टफोन के प्राइस और वेरिएंट के बारे में। इस स्मार्टफोन को 3 वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है। पहला वेरिएंट होगा 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, दूसरा वेरिएंट होगा 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, तीसरा वेरिएंट होगा 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज। प्राइस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका जो स्टार्टिंग प्राइस होगा 20,000 और 22,000 रुपए के बीच में होगा। लॉन्च डेट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो Realme X3 5G स्मार्टफोन को सबसे पहले दोस्तों चाइना में लॉन्च किया जाएगा। हो सकता है कि Realme X50 Lite के नाम से चाइना में लॉन्च किया जाए और उसके बाद दोस्तों इसको रीब्रांड करके इंडिया में Realme X3 के नाम से लॉन्च किया जाएगा। इंडिया लॉन्च डेट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मई के एंड तक या फिर आपको जून के मिड तक इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों Realme X3 5G स्मार्टफोन के बारे में कुछ यही थे इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।